बात हम अपने दर्शकों को बता दें, पंजाब में गन कल्चर भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कुछ दिन पहले जब न्यूज एटी ने सिद्धू मूसेवाला से गन कल्चर पर सवाल पूछा था तो उन्होंने इसे अपनी आत्म सुरक्षा से जोड़कर देखा था। बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, गन्स इज नॉट अ बैड थिंग। अपन हमको मालूम होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं। सो गन इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर इतनी बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। उसका पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट, कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, कौन सी बात हमारे हक में है, कौन सी खिलाफ है। तो ये आपसे वोटर पूछ नहीं रहे कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे पूछे। आई विल क्लियर आउट द थिंग्स। मैं उनको बताऊँगा कि बताओ अगर ये इतनी बुरी है तो गुरु साहिबान ने हमारे पांच ककारों में श्री साहब क्यों दिए? ये हमारे धर्म का, हमारा धर्म से हमारे शरीर का हिस्सा मानता है। सो क्यों दी है? अगर आर्मी के पास हथियार हैं वो एक पर्पस के लिए हैं। अगर वो वही आर्मी हमारे लोगों पे तान दे तो दैट्स अ बैड थिंग। उनके पास पर्पस है सेफ्टी के लिए। सो गन्स का बेसिकली जो रीज़न है रखने का वो सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी है। तो ये गन कल्चर को लेकर जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब सिद्धू ने क्या दिया? याद सुन चुके हैं कि वो अपनी आत्मसुरक्षा से इसको जोड़कर देख रहे थे। ये कह रहे थे कि कब किस कैसे इसका इस्तेमाल होना है वो महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हम डिटेल जानकारी आप तक ये पहुंचाते हैं कि विश्नोई गैंग है कौन। मूसेवाला हत्याकांड के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली है। हालांकि ये माना जा रहा है कि पटियाला गैंग से बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या की गई है। अब आप देखिए लकी पटियाल गैंग और लॉरेंस विश्नोई गैंग में कौन कौन से गैंगस्टर शामिल है ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लकी पटियाल गैंग, लॉरेंस विश्नोई गैंग और लकी पटियाल सरगना है। लॉरेंस विश्नोई सरगना है। गैंगस्टर नीरज शामिल है। गैंगस्टर सचिन विश्नोई भी जुड़ा हुआ है। गैंगस्टर चस्का भी जुड़ा हुआ है। गैंगस्टर काला जठेरी भी शामिल है। गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा, गैंगस्टर गोल्डी बरार भी सदस्य है। गैंगस्टर गुरप्रीत उर्फ बाबा, गैंगस्टर काला राणा भल्ला गैंग के लोग भी शामिल हैं। गैंगस्टर नरेश शेट्टी, ये तमाम जो बड़े नाम हम आपको गिना रहे हैं वो किस तरीके से गैंग काम करता है, कई घटनाओं में इनकी संलिप्तता सामने आ चुकी है। और सबसे चौंकाने और हैरान करने वाली बात है कि घटना होने के बाद ये खुद स्वीकार भी करते हैं, ये बताते हैं कि हमने घटना को अंजाम दिया है। अब यही वजह है कि पंजाब की पुलिस पूछताछ करने वाली है। हम सीधे अपने सहयोगी अरुण का रुख करते हैं जो कि इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद है और वहां पे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अरुण, गन कल्चर के बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और दोनों ही जो गैंग है लॉरेंस और पटियाल गैंग वो कैसे एक्टिव रहता है पंजाब में वो भी बता रहे हैं। अभी ताजा जानकारी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। सिद्धू मूसेवाला का जो घर है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, उनका मकान है और इस पर कांग्रेस पार्टी का झंडा अब भी लहरा रहा है। पिछला चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही लड़े थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने सिद्धू मूसेवाला को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। तब वो अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के और सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे लेकिन चूंकि पहला उनका चुनाव था, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत उनको मिली थी यहाँ से लेके कैनेडा तक। और ख़ासतौर से यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, उनके गाने वहाँ भी हिट चार्ट में शामिल होते थे। तो इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं तो ये मातम कुर्सी के लिए लोग आ रहे हैं यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके घर लोग आ रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। हालांकि उनकी डेड बॉडी जो है अभी शव उनका यहां पर नहीं पहुंचा है उनके घर पर, लेकिन आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1,00,000 से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बदमाशों ने किया था AN-94 का इस्तेमाल। एक दिन पहले मानसा के बीच सड़क पर की गई थी मूसेवाला की हत्या। हत्या के लिए इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट भी फर्जी थी। मूसेवाला की हत्या पर पंजाब में सियासत भी हुई थी। सुरक्षा हटाने पर बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, तो आम आदमी पार्टी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का दिया भरोसा। सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया।
यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये क्यों किया? पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है अपराधीकरण के खिलाफ कार्रवाई करने के। ज्ञानवापी के कई मामलों में आज फिर होनी है वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई। जिला जज की कोर्ट से दोनों पक्षों को दी जा सकती है वीडियोग्राफी और तस्वीरें। एक अन्य केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आज करेगा सुनवाई। लेकिन पोलैंड पर हाथ डालने का मतलब होगा नेटो के साथ जंग छेड़ना, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद रूस पर नेटो देश कहर बनकर टूटेंगे जो दुनिया में तबाही ला देगा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के साथ 3 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे रूस ने अब 50 साल पुराना T-62 टैंक मैदान में उतार दिया। बताया गया कि रूस ने सोवियत संघ के दौर के टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, और उस वीडियो में एक ट्रेन कई T-62 टैंक लेकर जाती दिखाई दी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने 50 साल पुराने ये टैंक मेरितोपोल शहर में पहुंचाए। यानी पुतिन अब अपने उन हथियारों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो उनकी सेना के गोदामों में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। यूक्रेन की जंग में T-90 जैसे आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करने वाला रूस अब 50 साल पुराने T-62 टैंक के भरोसे हो गया, और दावा किया गया कि रूसी सेना या तो खुद इनका इस्तेमाल करेगी या फिर पूर्वी यूक्रेन में चल रही जंग में लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों को ये टैंक दे दिए जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस को अपने हथियारों के जखीरे से इतने साल पुराने टैंक को लाकर जंग में उतारना पड़ा? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई? तो इसके पीछे की वजह यह बताई गई कि यूक्रेन के साथ जंग में सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है। यूक्रेन की सेना की तरफ से कई बार ये दावा किया गया कि उसकी जमीन रूस की सेना के टैंकों की कब्रगाह साबित हो रही, और 3 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग की जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने कई बार इसकी गवाही भी दी। यूक्रेन की सेना ने कई बार ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें रूस के टैंकों का काफिला तबाह होता दिखाई दिया। यही नहीं, यूक्रेन की तरफ से तो रूस के सबसे ताकतवर T-90 टैंकों को भी धराशायी करने का दावा किया गया, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से ऐसे हथियार मिले जिन्हें टैंकों का काल माना जाता है। यानी ये ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पलक झपकते ही टैंकों का खात्मा कर सकते हैं, और इन्हीं हथियारों की मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों का जमकर शिकार किया। अमेरिका से मिले स्विचब्लेड ड्रोन और फीनिक्स घोस्ट ड्रोन ने तो रूस के टैंकों पर ऐसा कहर बरपाया कि पुतिन की सेना की नींद ही उड़ गई। बताया गया कि ऐसे घातक आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने जंग में सैकड़ों रूसी टैंकों को निशाना बनाया। यही नहीं, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली जैवलिन मिसाइल ने भी पुतिन के ताकतवर टैंकों को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की सेना के पास टैंकों की कमी हो गई। यानी यूक्रेन के साथ जंग में उसके बेहतरीन हथियार बताए